Now coming to the next question, question number 9 says explain how painting of iron gate prevents it from rusting. So, जो लोहे के गेट होते हैं उस पर पेंट किया जाता है तो वो रस्टिंग से कैसे बचते हैं वो हमें बताना है. पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट कट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम द एनवायरमेंट. अब जब आप आयरन और एनवायरमेंट के बीच में एक पेंट का कोट आ गया तो जो आयरन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एनवायरमेंट से मतलब एयर और मॉइस्चर से वो एक तरह से कवर अप हो गया राइट. Therefore, there is no further exposure of iron to oxygen and moisture, which is the cause for rusting. So, अब उससे पेंट से क्या हुआ? वो direct contact में नहीं है moisture के और moisture की वजह से ही rusting होती है. तो जब वो direct contact में नहीं है तो rusting अपने आप नहीं होगी. Okay, अब ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल अगर आपने पेंट करे तो कभी उस पर rusting हो जाती है बट ज्यादा टाइम पीरियड तक वो सर्वाइव कर जाता है. ओके okay? Next, explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in desert. So now they are asking कि जो rusting of iron object है वो coastal areas में ज्यादा क्यों होती है और deserts में कम क्यों होती है. Reason देखो आपको basic चीज समझ में आनी चाहिए. Concept ये है कि rusting होती कैसी है moisture से air से. अब यहाँ जो coastal area है वहां पे ज्यादा moisture होगा as compared to डेजर्ट. तो सिंपली जहां पे ज्यादा मॉइस्चर है वहां पे ज्यादा रस्टिंग होगी ऑब्जेक्ट्स की. सो लेट्स सी द आंसर. आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट रस्टेड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉइस्चर. सो कैसी होती है आयरन की जो रस्टिंग है वो कैसी होती है जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे होती है. इन कोस्टल एरिया द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज मोर बिकॉज ऑफ सी और ओशियन. अब जो कोस्टल एरिया है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है. And while in deserts, the air is dry and hot. Or deserts mein air dry or hot hoti hai. Okay? So now we move to the next question.